क्या नाम है? अलीशा। दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। दरभंगा के एक गांव में कौन सा शिक्षक ही बन गए हैवान। टास्क नहीं याद होने पर मदरसा के शिक्षक ने बच्चे की जमकर पिटाई कर दी। इस मासूम बच्ची का चेहरा देखिए, कितनी रो रही है। इस बच्चे को गंभीर हालत में हॉस्पिटल लाया गया। आपको बताते चले कि बिरौल के अकबरपुर गांव में एक निजी मकतब स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक ही बन गए हैवान। मासूम बच्ची को जमकर पीटा, गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार की यही है आज शिक्षा व्यवस्था, मगर फिर भी आपके बच्चे कोचिंग जाते हैं और बच्चे का टास्क समय पर नहीं पूरा हुआ तो कोचिंग चलाने वाले शिक्षक आपकी बच्चों की जान भी ले सकता है, उसका हाथ पांव तोड़ सकता है, उसे अपाहिज बना सकता है। और अगर ऊपर वाले की दया से आपके बच्चे की जान बच भी जाए तो इलाज कराने के नाम पर आपकी कमर टूट जाएगी। हायर शिक्षा, हायर सरकार, हायर व्यवस्था, इन लोगों का पुकार है। आइए जानते हैं लोगों ने क्या कहा आक्रोशित होकर। रहने वाले वासी है, मैं अपने बच्चे 8-9 साल का बच्चा उसको दिए हुए हैं मुक्तब में पढ़ने के लिए। अक्टूबर 9 जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिस में खुद हूँ। तो गांव के माहौल के वजह से सब गांव समाज ने हमको पोस्टपेंड करके बोला कि हटाइए, गांव में ही मसला को हल कर दिया जाए। हाँ, तो हम लोग हल कर, पहली गलती है माफ़ कर दिया जाए कि बच्चा के साथ आइंदा ऐसा हरकत न करे। फिर भी इतना होने के बावजूद फिर भी वही हरकत में आया, न जाने क्या एक बच्चा का सबूत है जिसके साथ ऐसा हरकत किया। और मेरे बच्चा से पहले भी कैठो बच्चा के साथ ऐसा हरकत किया था जिसका मैं खुद ट्रीटमेंट किया हूँ। हाँ, छोटा छोटा किसी का उंगली फटा हुआ, किसी का सर पे भी फटा हुआ, हम खुद ट्रीटमेंट किया हूँ। मैं खुद प्रैक्टिशनर भी हूँ। हाँ, फिर आज एक मेरी भतीजी है, उसके साथ जो हादसा किया गया वो भी वीडियो मेरे पास है, तो उसका आगे देखा जाए, कार्रवाई किया जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। नाम मोहम्मद वसी अहमद है। घर बैग मेरे बच्चा को साथ में जुलूम हुआ, मारा गया है, बुरी तरह से मारा, जो आप देख सकते हैं दिए हुए भी है। जब सुबह में बच्चा को मारा है, उसके बाद बच्चा को मना कर दिया कि गार्जियन को अगर बताओगे तो तुमको और मारेंगे, तो डर से बच्चा बता ही नहीं। अभी जो कपड़ा चेंज किए है उसके रात में, अभी तुरंत हम देखे हैं उसको, उसके बाद जाकर जो हम थाना पे गए हैं, बड़ा बाबू को जाकर बोले हैं, मेडिकल फिर डीएम यहाँ सरकारी हॉस्पिटल भी ले गए हैं, वहाँ उसको दवा हुआ दिलवाए हैं, सुई भी पड़ा दवा हुआ दिलवाए। अच्छा, हमको बड़ा बाबू बोले हैं, सबको दिखला दिया, बड़ा बाबू बोले हैं कि आवेदन जो है आप लिख करके दे दें, तो अभी जो है लेट हो गया था, उसकी वजह से सुबह में जो है फर्स्ट टाइम आवेदन लिख कर नहीं। मुख्य लोग से कहे, हम जो है सारे लोग को दिखाए मोहल्ला में जितने भी लोग हैं, उसके बाद जो है हाजी साहब को भी दिखलाया, हाजी हाजी साहब को, हाजी हाजी साहब उनको फ़ोन भी किया कि भाई इस तरह का मामला आइए आप, ऊपर से जो है फोने पे जो है ऊपर से वो धमकी भी दे रहा, इसकी वजह से हमको थाना, इसकी वजह से हमको थाना का सहारा लेना पड़ा। नहीं पहले तो कभी तो नहीं हुआ, इससे पहले जो हुआ था भतीजा के साथ ये मामला हुआ था, उसका भी वीडियो दिया, अभी जो है मेरी बच्ची के साथ में इस तरह से हुआ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसी अहमद।